अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, प्योर देसी टिप्स एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको ऐसे तमाम तर नुस्खा जात बताए जाते हैं जो बनाने में भी आसान हो, ज़्यादा महंगे भी ना हो। ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि अपने देखने वालों के लिए आसान तरीन नुस्खा जात बना के पेश करूँ, जो ऑथेंटिक हो, मुजर्रब भी हो और जिसको इस्तेमाल करने से आपको अपनी बीमारी से शिफा भी हासिल हो जाए। आज का हमारा नुस्खा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये जो नुस्खा है ये ऐसे तमाम तर अफराद के लिए है। ये नुस्खा ऐसे तमाम तर अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी उम्र चाहे कितनी भी हो, लेकिन एहतलाम के मसले के लिए नुस्खा बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत से ऐसे लोग हैं फ़ोन करके कहते हैं कि हकीम साहब, एक हफ़्ते में 4-4 मरतबा एहतलाम हो जाता है। तबई तौर पर एहतलाम ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा होना चाहिए, वो भी एक महीने में। ठीक है, तो एहतलाम होने से इंसान के अंदर ताकत जो है वो निकल जाती है, कमज़ोरी आ जाती है। कसरत, एहतलाम की कसरत इंसान को चिड़चिड़ा लाकर कमज़ोर और बेजान कर देती है। इंसान का किसी काम में दिल नहीं लगता, हर वक्त थकावट महसूस होती है। तो आज का ये नुस्खा ऐसे तमाम तर अफराद के लिए है जिनके मिजाज भी बहुत ज़्यादा गर्म है, उनके लिए ये ख़ास तोहफा है। बहुत आसान नुस्खा है। इसके लिए आपने लेना है खुश्क धनिया। खुश्क धनिया आपने लेना है 1 तोला। आपने करना यह है कि आपने इसको हल्का हल्का कूट लेना है। हल्का हल्का कूट के आपने इसको एक मट्टी के प्याले में रात को डाल देना है। मट्टी के प्याले में डाल के, ठीक है, आप इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल दें। 1 गिलास पानी डालने के बाद सारी रात इसे ढाँक के सहन में रखना है, जहाँ पे चांद की चांदनी भी इस पर पड़े और इस पर शबनम भी पड़ती रहे। ठीक है, सुबह उठ के कपड़ा उतारें, इसको अच्छी तरह से छान पुन के 2 तोला मिश्री ले लें। मिश्री को कूट के इसके अंदर हल करके आप पी जाएं। पहली खुराक ही आपको असर दिखाती है, आपके अंदर जाके ठंडक पैदा करती है, आपके अंदर की गर्मी को ख़त्म करती है, मैदे मसाने जिगर की गर्मी को ख़त्म करके एहतलाम को 1 हफ्ते में ये नुस्खा जो है एहतलाम को जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। बहुत ही सस्ता, आसान और मुजर्रब नुस्खा है। इस नुस्खे को आप घर पर आसानी से बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका ज़्यादा कोई शदीद मर्ज़ है तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे रजू कर सकते हैं, या कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।